हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन और नद्रू। और इसे कैसे बनाते हैं, बनाने में बहुत टेस्टी होता है, तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपी को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चिकन को मैंने अच्छे से धो के ले लिया हुआ है। आज हम चिकन और नद्रू को मिक्स करके बनाएंगे। और इसके साथ देखिए, मैंने नद्रू भी ले लिए हुए हैं कट करके, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे कट करते हैं और ये नद्रू कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं। इसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मैं थोड़ी सी हल्दी, मतलब 1-2 चम्मच आप हल्दी ऐड कर दें, साथ में नमक ऐड कर दें 1-2 चम्मच। तो ये गया जी नमक भी। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, हल्दी और नमक हमने लगा दिए। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेते हैं, उसमें हम इसे रख देंगे। स्ट्रेनर में डालने से क्या होगा, हमने नमक लगाया ना, तो इसमें से पानी निकलेगा और फिर वो पानी सारा निकल जाएगा, चिकन हमें फ्राई करने में इजी हो जाता है। तो इसे हम किसी स्ट्रेनर में ऐसे रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसे हम 10-15 मिनट रहने देते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ नद्रू कैसे होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं। और इसे हम साफ़, देखिए कैसे करते हैं, इसे हमें ऐसे साफ़ करना होता है। तो हमारे J&K में तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये देखिए, नद्रू को हमने साफ़ कर लिया। और जो इसके होल्स होते हैं ना, कभी कभी इसमें भी मिट्टी रहती है, तो इसे भी हमें अच्छे से साफ़ करना था, लेकिन ये एकदम साफ़ है। और देखिए, इसे मैंने ऐसे पीसीस में कट कर लिया और पानी में डिप करके रख दिया है। और इसे हम थोड़ी देर पानी में रहने देते हैं अभी। और उसके बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं पानी में से, क्योंकि हमें इसे भी फ्राई करना है, तो फिर फ्राई करने में हमें इजी हो जाएगा, पानी सारा इसका ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए, थोड़ी देर हम ऐसे छन्नी में इसे रख देते हैं। ये अच्छे से सूख चुके हैं, अब हम इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो हम पहले नद्रू को डाल देते हैं जी फ्राई के लिए। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। हम बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस ये देखिए, थोड़ी देर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए, नद्रू हमारे फ्राई हो चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं। और नद्रू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो उसी ऑयल में मैं चिकन भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, चिकन भी मैंने डाल दिया है। तो अब हम पहले चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए जी, चिकन भी हमने फ्राई कर लिया है। और ऐसे ही हम पहले सारा चिकन फ्राई करके रख लेते हैं। और ये हम निकाल लेते हैं, इसमें हम और चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। और चिकन हमने सारा फ्राई करके रख लिया है, अब इसका हम तड़का रेडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने तेज़पत्ता और बड़ी इलायची को डाल दिया है, ऑयल मैंने वही यूज़ किया है। और इसके साथ ही अब हम प्याज भी ऐड कर देते हैं। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हुए हैं, बड़े, तो इसे भी हम भून लेते हैं पहले। इसके साथ ही मैं जीरा ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच भर के। और प्याज भी हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, इसके साथ मैंने अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया है। इसे भी पहले हम अच्छे से भून लेते हैं, अदरक और लहसुन को। और इसमें हम काली मिर्च और लौंग भी ऐड करेंगे। काली मिर्च और लौंग भी, ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड करें लौंग और काली मिर्च को। तो ये भून चुके हैं, इसके साथ ही अब हम ऐड करेंगे जी ड्राई मेथी को। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ड्राई मेथी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो मेथी डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। और मेथी हमारी हो चुकी है, इसके साथ अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं। इसे हम बिना टमाटर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर ऐड किए हैं, तो ज़्यादा ऐड नहीं करने हमें टमाटर, बस 2 ही ऐड करने हैं। तो टमाटर को भी हम पहले भून लेते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं जी लाल मिर्च को। और ये मैं 2 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। बाकी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और अब हम मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं मसाले में। और मसाला हमारा एकदम रेडी हो गया है जी। और अब पहले हम इसमें डाल देते हैं नद्रू को। नद्रू को थोड़ा सा भून लेते हैं मसाले में। और इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे नमक को, क्योंकि नमक हमने पहले भी चिकन में ऐड किया हुआ है, तो हम नमक देख के ही ऐड करेंगे।
अभी मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया नमक, और इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे चिकन को भी। तो ये गया जी चिकन भी। अब हम चिकन को पहले थोड़ी देर मसाले में अच्छे से भून लेते हैं, और गैस की फ्लेम अभी लो ही रखेंगे। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जी सौंफ पाउडर को, ये 2 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये गया जी सौंफ पाउडर भी। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और चिकन और नद्दू हमारे अच्छे से मसाले में भून चुके हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी थोड़ा सा हम कम ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो चिकन में बॉईल आ गया, इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला, और अब हम चिकन को थोड़ी देर कवर करके पकाते हैं। उससे क्या होगा, जितने अच्छे से चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और नद्रू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमने खोल दिया है, और चिकन हमारा एकदम रेडी हो गया है, और नद्रू भी हमारे गल चुके हैं, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और ग्रेवी इसमें थोड़ी सी रहनी चाहिए। तो लास्ट में हमने डाल दिया जी धनिया, और थोड़ी देर हम इसे कवर कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है धनिया का फ्लेवर सारा अच्छे से आ जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार टेस्टी टेस्टी चिकन एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। सच में बहुत टेस्टी बनता है इसे। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, और ये देखें जी हमारा मज़ेदार टेस्टी टेस्टी कश्मीरी स्टाइल नद्रू चिकन एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। और आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। बनता बहुत टेस्टी है, बनाने में बहुत इजी है। आप भी फिर इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना नद्रू किस किसने खाए हुए हैं, आज तक आपने नद्रू देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।